काफी वर्षों पहले पढ़ा था। पोथी पर जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होया। अब पता लगा है ढाई अक्षर है क्या। ढाई अक्षर के ब्रह्मा और ढाई अक्षर की सृष्टि, ढाई अक्षर के विष्णु और ढाई अक्षर की लक्ष्मी, ढाई अक्षर की दुर्गा और ढाई अक्षर की शक्ति, ढाई अक्षर की श्रद्धा और ढाई अक्षर की भक्ति, ढाई अक्षर का त्याग और ढाई अक्षर का ध्यान, ढाई अक्षर की इच्छा और ढाई अक्षर की तुष्टि, ढाई अक्षर का धर्म और ढाई अक्षर का कर्म, ढाई अक्षर का भाग्य और ढाई अक्षर की व्यथा, ढाई अक्षर का ग्रंथ और ढाई अक्षर का संत, ढाई अक्षर का शब्द और ढाई अक्षर का अर्थ, ढाई अक्षर का सत्य और ढाई अक्षर की मिथ्या, ढाई अक्षर की श्रुति और ढाई अक्षर की ध्वनि, ढाई अक्षर की अग्नि और ढाई अक्षर का कुंड, ढाई अक्षर का मंत्र और ढाई अक्षर का यंत्र, ढाई अक्षर का श्वास और ढाई अक्षर का प्राण, ढाई अक्षर का जन्म और ढाई अक्षर की मृत्यु, ढाई अक्षर की अस्थि और ढाई अक्षर की अर्थि, ढाई अक्षर का प्यार और ढाई अक्षर का युद्ध, ढाई अक्षर का मित्र और ढाई अक्षर का शत्रु, ढाई अक्षर का प्रेम और ढाई अक्षर की घृणा। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम बंधे हैं ये ढाई अक्षर में। है ढाई अक्षर ही वक्त में और ढाई अक्षर ही अंत में, समझ न पाया कोई भी है रहस्य क्या ये ढाई अक्षर का। ये जो पेड़ है जिसमें इतने सुंदर पर्पलिश पिंकिश कलर के फूल आ रहे हैं, इसे प्राइड ऑफ इंडिया बोलते हैं या क्वींस क्रेप मार्टल या लेगोस्ट्रोमिया स्पीशियोसिया। अब पता लगा है ढाई अक्षर है क्या। तब से मन शांत हो गया है।